कि आज 7 महीने हो गए हैं, ये 31 काम मैंने दिए थे, एक कंप्लीट हुआ है, वो भी कंप्लीट ऐसे हुआ था कि ये सोच के कि 5 लाख तक की पावर भी विधायकों को है कि बिना टेंडर के करा सके, वो पेमेंट भी रोक दी गई कि विधायकों को वेगी में पावर नहीं कि 5 लाख तक का काम करा सके। तो मंत्री से मेरी ये गुजारिश है और ये पूछना चाहता हूँ कि अब तक ये काम 7 महीने में पूरे क्यों नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे विधायक साथी का सवाल है, इसमें जो वेंगी का 2 करोड़ का बजट सरकार के द्वारा विधायक अपनी डिमांड्स भेजते हैं, बिल्कुल इनका कहना सही है कि ये 7 महीने पहले इनकी तरफ से डिमांड आकर और डीसी को यहाँ से पैसा सरकार ने लीज कर दिया था और इनमें से 31 काम इनके आए थे। एक काम हम इसमें पूरा करवा पाए हैं, 13 काम अभी प्रगति में, इनके टेंडर लग के काम शुरू हुए हैं और 11 काम की टेंडर की 13 कार्य प्रगति पर है और 11 काम के टेंडर लग चुके हैं। 6 काम के पेंडिंग थे वो भी हमने लगवा दिए गए हैं। इसमें थोड़ा सा इशू ये आया था कि वहाँ हमारे जो SDO थे उन्होंने रिजाइन दे दिया था और जो डोंगल का इशू था उसकी वजह से ये काम डिले हो गए हैं, वो हमने शॉर्ट आउट कर लिया है और आने वाले कम समय में जो ये काम इनके पेंडिंग है इनको पूरा करवाया जाएगा। मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, जब माननीय मुख्यमंत्री हर विधायक को पैसे देते हैं और ये टाइम पे पैसे नहीं लग पाते हैं और एक जो 25 लाख की छूट हर डिपार्टमेंट में दे रखी है, चाहे तो ब्लॉक समिति की हो, चाहे सरपंच की हो, चाहे जिला परिषद, 5 लाख तक 25 लाख तक के काम कर सकते हैं, तो क्यों विधायकों को वेगी में ये छूट नहीं दी गई है और जो अफसर ये डिले कर रहे हैं काम को, जो विकास के लिए पैसा दिया जाता है, हम जो लोग हैं, जो जनता है, उसको क्या जवाब दें? 7-7 महीने सरकार पैसे दे, मैं सरकार के दोष ये नहीं बताते, जब सरकार टाइम पे पैसे भेज रही है तो उनको प्रॉपर जल्दी से जल्दी यूटिलाइज नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, तो सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ क्या संज्ञान ले रही है? और एक हमारे नगीना पिरंगवा के इससे हल्के हटके है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो पैसे जाते हैं नगीना और पिरंगवा ब्लॉक तहसील सर, उनको आज तक सारा पैसा रोका हुआ, वो भी रिलीज सरकार क्यों नहीं कर रही है, ये मुझे बताया जाए। अध्यक्ष महोदय, जो टेंडर प्रक्रिया में जब से हम आए हैं एक व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, हमारे पंचायत को जो पहले 25 लाख की कैप थी सरकार ने उसको उठाने का काम किया है, जो PRI का और इनकम पंचायतों की है उस पर सरकार ने 50% तक रिलैक्सेशन दिया है और जो सरकार से जो फंड जाएगा वो थ्रू टेंडर कार्य होंगे और जो पंचायत का ऑन फंड है और जो PRI से पैसा जाता है उसका 50% फंड वो कोटेशन बेस से अपना काम करवा सकते हैं, छोटे काम 5 लाख से कम के काम, 5 लाख से अगर ऊपर के काम होंगे वो टेंडर प्रक्रिया से करवाए जाएंगे। और हमारे विधायक जी के 31 काम थे, ये लगभग इनमें कोई 10% या 20% कामों को छोड़ के उनकी अमाउंट 3, 4 और 5 लाख थी, उसमें ये समस्या आई है कि छोटे टेंडर होने की वजह से इसमें कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास 2-3 बार टेंडर लगाने के बावजूद भी नहीं आए, अब वो टेंडर लग चुके हैं, आने वाले कम समय में इन कामों को हम जल्दी पूरा करवाएंगे। सर ये जवाब नहीं दिया मंत्री जी ने कि 25 लाख, एक मिनट, सर ये जवाब नहीं दिया मंत्री जी ने कि 25 लाख तक की छूट वेगी में काम कराने की है या नहीं है, ये जवाब नहीं दिया सर, ये जवाब दिया जाए। तो यहाँ हमारे 5 लाख से ऊपर के कार्य हैं उन पर कोई छूट नहीं है, वो थ्रू टेंडर ही होंगे और जो 5 लाख से कम अमाउंट के कार्य हैं वो हमने 50% तक कि हमारी पंचायतों को, ब्लॉक समिति को और जिला परिषद को कोटेशन बेस काम वो करवा सकते हैं। एक मिनट, नहीं है सर 25 लाख तक की छूट नहीं है सर, जो 25 लाख तक की विधायक या कोई भी सरपंच करा सकता है वेगी में नहीं है सर, वो कहते गाइडलाइंस में नहीं है हमारे पास, जैसे अभी इन्होंने SOP भेजी थी सर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसमें सबके लिए 50% दिया लेकिन वेगी का उसमें सर जिक्र नहीं है, तो इसमें मंत्री जी ये बताए कि वेगी का भी इसमें SOP कब तक भेजेगा ये बताए सर। ये देखिए, और ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात थी ये पूरे हरियाणा की प्रोग्राम से चेक करके दे दूंगा कि वेगी का पैसा भी हम मेरे हिसाब से तो 5 लाख से कम का जो पैसा है कोटेशन बेस उस काम को करवा सकते हैं। ये जानकारी मैं एक ये जानकारी कुंडू जी बैठ जाइए, मटेरियल तो रिवाइज करवा दिया है, नहीं ये हमारे देता हूं आपको, ये हमारे 3-4 जिलों में जो
रेट की समस्या थी, वो एनसीआर के आसपास के झज्जर जिले की, गुड़गांवा जिले की, हमारे फरीदाबाद जिले की कुछ एरियाज में रेटों के इश्यूज थे, पत्थर भी है। हमने इसकी कमेटी बनाई हुई है, एक बार इसको जरा आप दिखा करके जल्दी करवा दीजिए। हमने इसकी कमेटी, अरे भाई सुनो सुनो, आप लोग आप सुनो तो सही, हमने इसकी कमेटी बनाई हुई है जी, डीसी इसके चेयरपर्सन है और वो अपने लेवल पे क्वार्टरली जब भी उनको रेट इंक्रीज और डिक्रीज करने पड़ते हैं वो कर सकते हैं। मैं विधायक साथियों से अनुरोध करूंगा, आप अपने अपने डीसीओ से बात कीजिए, कोई रेट का इशू है नहीं, रेट के इशू तो डीसी से बात कीजिए आप, वो बढ़ा देंगे, वो कोटेशन पे से बढ़ा सकते हैं, जो मैनुअल काम का, आप समझिए ना बात को, मैनुअल काम की कमेटी डीसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बनी हुई है ऑलरेडी, उसको डीसी चेयर करते हैं, आप उनसे बात कीजिए अगर कहीं भी इशू है वो रेट के लिए क्यों जाएंगे, नहीं सरकार के आदेश हैं भाई, वो क्वार्टरली डीसी उसको रिवाइज कर सकता है। भाई आप भी तो जनप्रतिनिधि हो, आप भी तो अपने जिले के अधिकारियों से बात कर सकते हो। चलिए मैं इस विषय को क्लियर कर देता हूं। पब्लिक जी पहली बात तो ये है कि ये जो वैगी का विषय है, वैगी काम दिया जाता है पंचायतों को करने के लिए, वैगी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के हेड में से जाता है। ये जो विषय आ रहा है कि हाँ 5 लाख का फ्री करो, 25 लाख का फ्री करो, ये पंचायतों के उनके कामों के लिए ही प्रावधान रखा गया है कि विदाउट टेंडर वो करवा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का हर काम टेंडर से होता है और ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में से जाता है, इसलिए इसी में किसी को कोई छूट नहीं होगी, जो काम होंगे सब टेंडर से होंगे। चलिए